हेलो दोस्तों, तो आज काफ़ी दिन बाद वीडियो आया है दोस्तों। कुछ परेशानियां हो गई थी तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट आज के बाद आज से जो है अपना रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। महीने में 5 6 7 वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग रेगुलर चैनल से बने रहिए और अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसानों से भी संबंधित अच्छे अच्छे टॉपिक्स अब अपना रेगुलर आते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना एग्रीकल्चर टॉपिक्स फॉर प्रेजेंटेशन, जो कि बात करें कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के, स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कॉलेज में, और टीचर्स बोलते हैं तो, या फिर लेक्चरर्स, तो जब प्रेजेंटेशन देना पड़ता है तो परेशान हो जाते हैं कि आप यार टॉपिक में कहाँ से लाऊं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा टॉपिक ढूँढूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप है और एग्रीकल्चर में लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका स्कोप है। तो लोग सोचने लगते हैं भाई क्या टॉपिक्स लेके आऊँ, कौन सा टॉपिक्स दूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, मेरे कंपटीटर से या फिर मेरे स्टूडेंट जो सामने जो भी उनके और भी स्टूडेंट रहते हैं, फिर भाई मेरा राम से अच्छा हो जाए, श्याम से अच्छा हो जाए, घनश्याम से अच्छा हो जाए, सौरभ से अच्छा हो जाए, मतलब सपोज दैट मेरा इससे इनसे अच्छा बहुत अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन हो, मुझे अच्छा नंबर मिले। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आज बहुत अच्छा 40 से 45 टॉपिक ऐसे हैं कि उस टॉपिक को लेक्चरर या फिर टीचर जो होते हैं उस टॉपिक को वो भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो भी वही टॉपिक को ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बट वो भी अगर कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं तो इसी टॉपिक को उठाकर वो भी वही प्रेजेंटेशन देते हैं अपने सीनियर से। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन, वी आर शेयरिंग द बेस्ट प्रेजेंटेशन टॉपिक फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड, डेफिनेटली दिस एग्रीकल्चर टॉपिक्स वेरी यूजफुल फॉर द स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, टीचर्स, रिसर्चर्स, एवरी वन यूज़ दिस टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन। इट्स अ बेस्ट कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट के लिए है और टीचर्स और रिसर्चर्स भी इस टॉपिक को पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन, तो सभी टॉपिक ध्यान रखिए आगे बढ़ने से पहले। अगर अभी तक जो भी नए जुड़े हुए हैं स्मार्ट कृषि इंडिया चैनल से, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक, सभी स्टूडेंट तक, पूरे भारत में, वर्ल्ड में इसको जो है शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरे की आप हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प भगवान करेगा, और आपकी हेल्प करने के लिए तो मैं तो हूँ। बात करते हैं फिर फॉलोइंग आर द प्रेजेंटेशन टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर। 40 से 45 टॉपिक हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर सभी नोट डाउन कर लीजिए। जैसा है अपना पहला टॉपिक है टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। हाँ जी, पहला क्या है टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। सेकंड वे अपना है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फूड। थर्ड आता है अपना सोशलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। क्या है सोशलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। फोर्थ वे आता है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। फिफ्थ है अपना लार्ज पॉपुलेशन, क्या लार्ज पॉपुलेशन एंड लेस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर फूड। नेक्स्ट है अपना फार्म पावर एंड एनर्जी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है अपना क्या फार्म पावर एंड एनर्जी इन एग्रीकल्चर। तो ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वो कमेंट करें। नेक्स्ट है अपना रिक्लेमिनेशन ऑफ सोडिक सॉयल, क्या सोडिक सॉयल। नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एक्सपेक्टेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है अपना डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर स्लूज। नेक्स्ट है अपना गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड फार्म एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन लाइफ। सभी कॉपी पेंसिल नोट डाउन कर लें प्लीज़, सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, बहुत ढूंढ करके मैंने इस टॉपिक को आप तक पहुँचाया है, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो ज़रूर एक लाइक करने बनता है। नेक्स्ट है अपना इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन लाइफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन लाइफ। नेक्स्ट है अपना वाटर इज हार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 21st सेंचुरी एग्रीकल्चर, फार्मिंग विथ वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर।
रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी, नेक्स्ट है ग्रीन फार्म अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑन एग्रीकल्चर लैंड, नेक्स्ट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट विथ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कल्चर एंड एग्रीकल्चर प्लान एन इम्पॉर्टेंट रोल, इंडस्ट्रियल, नेक्स्ट क्या है इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, क्या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो फार्म एंड फार्मर, फार्म एंड फार्मर, नेक्स्ट है सॉयल इट इज सॉयल इरोजन इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, नेक्स्ट है हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स द एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मिंग, नेक्स्ट है मॉडर्न व्हीकल मेड इजी फार्मिंग, डाटा, नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस इन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड मास कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट है सीड पैथोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, नेक्स्ट बात करते हैं सीड एंड प्लांट्स हर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट है रोड कनेक्टिविटी टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं पाया होगा तो ज़रूर दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है डिजिटल वर्ल्ड एंड रूरल फार्मिंग। ये वीडियो आप लोगों के पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत से और जो है बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया और खोजा एग्रीकल्चर टॉपिक, कई लोगों का आया था या फिर मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी जब पढ़ाई करता था बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी तो हमको भी परेशानी होती थी टॉपिक्स ढूंढने में। इतना अच्छा टॉपिक्स है कि अब आपको परेशानी नहीं होगी। आप टॉपिक्स लीजिए, नोट डाउन करिए टॉपिक को क्या है कहते हैं, उस सब रिसर्च करिए गूगल पे यूट्यूब पे और सभी सोशल मीडिया हैं, या फिर टीचर से पूछिए इस टॉपिक में क्या है, उस टॉपिक को ले जा कर के और आप एकदम पूरा धड़ाक से समझ लीजिए, एकदम माहौल बना दीजिए इसको माहौल पूरा। स्टूडेंट भाई ये टॉपिक इन्होंने कहाँ से लाया, इस टॉपिक कहाँ मिला, तो आपसे पूछेंगे भाई आप भी बताओ ना, स्मार्ट किसी इंडिया चैनल से मुझे ये टॉपिक मिला हुआ है, ये वीडियो है, शेयर करो। और अब ऐसा नहीं कि आपको हो गया तो दूसरी के, आप दूसरों की जितना हेल्प करेंगे जितनी सहायता करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत वीडियो अपलोडेड हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो सभी वीडियो देखते रहिए और आप रेगुलर वीडियो मिलेंगे आप लोगों को हमेशा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, बाय बाय।